as we have already understand about the condition and definition of the loop, where we need to use and what is the basic definition. So इसी तरह इस for loop के अलावा एक और loop है जिसे हम कहते हैं while loop. ठीक है, जो loop की definition है बिल्कुल वही है, लेकिन while के अंदर आपके जो तीन parts थे ना, जो आपने initialization के लिए लिखा था, condition के लिए लिखा था, increment और decrement के लिए लिखा था, वो तीनों आपने एक साथ लिखा था for के अंदर, लेकिन while के अंदर ये चीज़ें अलग अलग होती हैं. कैसे देखते हैं. तो ये for की body है, मैं इन तमाम को comment करता हूँ. ठीक है, अब मैं while loop को यहाँ पर समझाने लगा हूँ, तो मैं इससे थोड़ा सा zoom कर देता हूँ. सबसे पहले मैंने वेरिएबल इनिशियलाइज किया एंड डिफाइन किया, वेरिएबल i इक्वल टू 1. ओके, उसके बाद मैंने लिखा वाइल स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज, और आप देख रहे हो उसमें सिर्फ क्या लिखा आ रहा है, कंडीशन. यानी सिर्फ और सिर्फ आपने यहाँ पर क्या बतानी है, कंडीशन कि लूप कब तक चले. तो मैंने कहा लूप उस वक्त तक चले जब तक इसकी वैल्यू लेस देन है 10 से. ठीक है, और उसके बाद मैंने बॉडी ओपन की इसकी, जिस तरह फॉर की बॉडी होती है इसी तरह वाइल की बॉडी है. अब जो चीज यहां तुम्हें प्रिंट करवानी है, मैंने यहां पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां पर मैंने आई की वैल्यू सिर्फ प्रिंट करवा दी, और हर एक अलग अलग लाइनों पे चाहिए. तो मैंने इसे कॉपी किया, और नीचे आने के बाद यहां पर इन्वर्टेड कॉमा में किसका टैग यूज करूंगा, बी आर का, जस्ट फॉर सेपरेटिंग द लाइन. अब एक प्रॉब्लम यहां ये है कि आई की वैल्यू जो है वो 1 से आगे बढ़ नहीं रही है. भाई आई की वैल्यू ऊपर से देखो, अगर अभी क्या है 1, इसने चेक किया कि क्या लेस देन 10 है, बिल्कुल है भाई लेस देन 10, इसका मतलब है ये दोनों चीजें चलनी चाहिए. अब ये दोबारा ऊपर जाएगा, दोबारा इसको यही वैल्यू मिलेगी, तो ये लाइफ टाइम तक चलता रहेगा. यानी एक इनफाइनाइट लूप बन गया, ये कभी ना खत्म होने वाली लूपिंग शुरू हो गई यहाँ पर. ये लूप खत्म कब होगा कुछ भी नहीं पता है. तो इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एट लास्ट बताना होता है कि आई की वैल्यू को अब चेंज भी करना है. पहले 1 थी वैल्यू, अब मुझे क्या करना है, 1 की वैल्यू को चेंज करवाना है ना. तो मैंने लास्ट लाइन पे क्या लिखा, आई इक्वल टू आई प्लस 1. और अगर तुम बगौर इस कंडीशन को और इस कंडीशन को देखो, तो ये वही तीनों कंडीशन है जो हम फॉर के अंदर इस्तेमाल करते थे. लेकिन फर्क क्या है, फॉर के अंदर तीनों चीजें एक साथ बताया करते थे, वाइल के अंदर ये तीनों चीजें अलग अलग जगहों पर बताई जा रही हैं. क्लियर? ठीक है, अब मैं कंट्रोल एस करता हूं, जूम आउट, वेब ब्राउजर पर आता हूं, पेज रिफ्रेश करूंगा. एक्चुअली मैंने ऑफ कर दिया था, दोबारा रन करते हैं. ठीक है, तो आप देख रहे हो जिस तरह फॉर लूप की लूपिंग चल रही थी, बिल्कुल वाइल की भी वैसी ही चल रही है, और उसी तरह से तमाम चीजें प्रिंट होकर आ गई. आप अगर कोई स्टेटमेंट स्ट्रिंग चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं फॉर की तरह, सो ऑन सो फोर्थ, बिल्कुल वही सिनेरियो है. लेकिन डिफरेंस क्या है, तीनों चीजें अलग अलग जगहों पर मौजूद है. तो ये उस वक्त तक लूप चलेगा जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल 10 है. जैसे ही 10 से ज्यादा आई की वैल्यू होगी, खुद ब खुद लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, और वो इस ब्रैकेट के बाद वाली चीजों को कंसिडर करेगा जो नीचे लिखी हुई होंगी. तो ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई वाइल की और उसकी वर्किंग की. अब देखते हैं कि क्या हम वाइल को भी नेस्टेड कर सकते हैं या नहीं. बिल्कुल कर सकते हैं, मैं यहां पर 100 लिख देता हूं, कंट्रोल एस. ठीक है, जो वैल्यू चाहे आप वहां पर लिखकर देख सकते. ना सिर्फ ये, बल्कि मैं चाहूं तो इवन एंड ऑड नंबर भी प्रिंट करवा सकता हूं. तो जहां पर मैंने लिखा है आई इक्वल टू आई प्लस 2, मैं अगर वन इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, कंट्रोल एस, रिफ्रेश द पेज. ठीक है, ये ऑड नंबर हो गया. अगर मुझे इवन करना होगा तो मैं स्टार्ट 1 से नहीं लूंगा, बल्कि कहां से लूंगा, 2 से भी ले सकता हूं, 0 से भी ले सकता हूं, 0 प्लस 2, 2 प्लस 4 एंड सो ऑन. कंट्रोल एस, रिफ्रेश. तो आप देख रहे हो 2, 4, 6, 8, 10, 20 एंड सो ऑन, सारे 100 तक के इवन नंबर प्रिंट हो गए.
तो जिस तरह से आप आइट्रेशन के अंदर यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज करोगे, वो फर्स्ट वैल्यू सेकंड टाइम उतने ही वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। यही आइट्रेशन का रूल है, स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर चल रहा है वो उसी का ये रूल है। नाउ इट्स टाइम टू मूव टू मेक इट नेस्टेड। तो ये बॉडी आप देख रहे हो वाइल की है। मैं एक और वेरिएबल डिफाइन करता हूँ और इसका नाम रखता हूँ var j इक्वल टू, मैं इसको करता हूँ 11 और बाकी वैल्यू को दोबारा से वही कर देता हूँ जो पहले थी। ठीक है, अब j की वैल्यू 11 है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं लिखता हूँ while j is less than equal to 20 ब्रैकेट क्लोज, बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज। तीनों लाइनों को कॉपी किया, तीनों को पेस्ट किया, लेकिन जहां जहां आई लिखा है वहां पर क्या लिख दूंगा। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं, जूम आउट, लेट मी चेक, रिफ्रेश। अब आप एक सरप्राइजिंग चीज यहां पर देख रहे हो कि फर्स्ट आइट्रेशन पे तो वैल्यू चली 1 के बाद 11 से लेकर 20 तक की वैल्यू प्रिंट हुई, लेकिन सेकंड के बाद वो वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, अब इसकी वजह ये है कि देखो इसकी इंक्रीमेंट अगर आप देखो ना यहां पर ये पार्ट, तो ये पार्ट पहले चल रहा है उसके बाद नेस्टेड वाला पार्ट चल रहा है। लेकिन अगर मैं इस लाइन को यहां से करूं कंट्रोल एक्स और ये जो सेकंड लूप हमारा ब्रेक हो रहा है ना इसके बाद कर दूं यहां पर कंट्रोल एस, इसके हवाले से मैं लॉजिक बता रहा हूं कि ये क्यों किया है मैंने। नीचे पेज को रिफ्रेश करता हूं, अभी भी ये चीज नहीं हुई। प्रॉब्लम यहां पर क्या है कि वो वैल्यू उस तरह से प्रिंट नहीं हो रही है ना, तो यहां पर हमें क्या करना है, इन तमाम चीजों को बिल्कुल अपनी जगह पे ही रखनी है जहां पर वो चीजें मौजूद थी, और यही हमारी सिंपल लॉजिक थी। अगर आप बगौर देखो तो ये जो एरिया है वो एक लूप के अंदर मौजूद है। ठीक है ना, अब इसे अपना फर्स्ट पार्ट नहीं मिल रहा है। कौन सा फर्स्ट पार्ट? जहां पर वैल्यू डिफाइन प्लस इनिशियलाइज हो रही है। ये मैंने कहां पर रखा हुआ है, लूप के बाहर रखा हुआ है ना, तो इस चीज को मैं लूप के अंदर लेकर आऊंगा, क्योंकि अभी हमने देखा फॉर लूप में तीनों चीजें रिक्वायर्ड है, वाइल के अंदर भी तीनों चीजें रिक्वायर्ड है, यानी इनिशियलाइज करना, कंडीशन देना, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना। लेकिन ये एरिया बाहर है, लिहाजा मैं इस एरिया को वाइल सेकंड वाले वाइल से पहले लेकर आऊंगा, कंट्रोल एस करूंगा और उसके बाद मैं इसे एग्जीक्यूट करवाऊंगा। और आप देख रहे हैं कि ये सक्सेसफुली बिल्कुल उसी फॉर्मेट पे प्रिंट हो चुका है जो कि हमारे नेस्टेड के फॉर के लिए था। तो इस तरह हमने ना सिर्फ फॉर को समझा बल्कि साथ ही साथ वाइल, फिर नेस्टेड वाइल के भी कॉन्सेप्ट को इस सेशन पे देखा कि वाइल लूप क्या है, किस तरह से ये नेस्टेड होता है और किस तरह से ये मल्टीपल चीज़ों को एक साथ एक ही कंडीशन में या एक ही फ्लो में प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है।